नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान फास्ट न्यूज। हिंदुस्तान फास्ट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गुप्त सूचना के आधार पर लुधियाना के ईसरवाल चौकी की पुलिस ने छापेमारी के दौरान 38 अवैध शराब की पेटियां किया बरामद। बरामद शराब की जानकारी देते हुए थाना फोकल पॉइंट के थाना प्रभारी मोहम्मद जहीन लुधियाना से रवि क्राइम पत्रकार की रिपोर्ट। नमस्कार सर, सर आज बरामद शराब बरामद की कल एएसआई जगजीत सिंह तो चौकी इंचार्ज सुरजीत सिंह ईश्वर कलोनी जो अपने एएसआई जगजीत सिंह लगे इतने उन्होंने इनफॉर्मेशन सीकेट महसूल हुई थी कि जो मुकद जो दोषी है राम ईसर ये फरूक का काम करता रेलवे स्टेशन के कोल तो भी ये जो है आपके क्वार्टर के भारी मात्रा के शराब है जी वो बाहर स्टेट में लैके डंप की हुई है जो अगर बेचने की तावश है। किन्नी की बोतल बरामद पेटियां बरामद हुई हैं? ये अपने वख वख ब्रांड ने 38 पेटियां जी सब बरामद हुई हैं। ये उत्ते पहले भी कोई केस पिया हो? हाँ जी, ये पहला जो है साडे रिकॉर्ड के मुताबिक जो अपने 7EC एक्ट का मुकदमा है सिलेंडर का जो कि गैस का संबंधित एक्ट है वो पहले ही मुकदमा दर्ज है तो बेलते है जी असं रेड करने तो बाद 38 पेटियां बरामद हो गई ने। बाकी दोषी को पूछगिछ कर रहे हैं, उम्मीद है भी होर रिकवरी हो जाएगी। ये नाल दे कितने इन्हें बेचनी सी जिसे को लेके आया सी ये सारा सी बैठेगा।